गर्मियों का मौसम आते ही हमें बहुत सारे समर ड्रिंक्स याद आने लगते हैं, तो उसी में से एक है कैरी का पन्ना या फिर कच्चे आम का पन्ना। तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है, गर्मियों में इसे जरूर बनाएं और बच्चे और बड़े दोनों को पसंद आता है। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आम के पन्ने की रेसिपी, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे मेरे जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। कच्चे आम का पन्ना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 आम लिए हैं, कच्चे मीडियम साइज के आम लिए हैं यहाँ पर मैंने। इन्हें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रेशर कुकर में डाल के एक विसिल आने तक बॉईल कर लेंगे। पानी डाल दूंगी मैं इसमें 1 गिलास भर के, लिड से कवर कर दूंगी इसे और इसे हाई फ्लेम पर रख दूंगी 1 विसिल आने तक। तो ये हमारे कुकर में 1 विसिल आ चुकी है, तो यहाँ पर मैं गैस के फ्लेम को कर दूंगी बंद और इसके प्रेशर को खुद से रिलीज हो जाने दूंगी। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर है इसका खुद से रिलीज हो गया है, तो यहाँ पर ये हमारे कच्चा आम अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है। तो हम इसके पानी को और इस कच्चे आम को अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं इसके छिलके उतार लूँगी और तो यहाँ पर हमें सिर्फ आम का पल्प चाहिए, तो इसकी गुठलियाँ मैं अलग कर दूँगी इसे छील कर और इसका पल्प ले लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसकी गुठलियाँ अलग करके इस आम के पल्प को निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें ये सारा पल्प डाल देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते। तो ये 1/3 कप पुदीने के पत्ते हैं फ्रेश। तो यहाँ पर ये चीनी है मेरे पास 100 ग्राम, तो इसमें से मैं 7 या 8 चम्मच ही अभी चीनी इस्तेमाल करूँगी। और उसके बाद डाल देंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून काला नमक डालेंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे जीरे का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर है ये। और 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें नींबू का रस, थोड़े से आइस क्यूब डाल देंगे और उसके बाद जार का ढक्कन लगा के इसे ग्राइंड कर लेंगे हम। तो ये हमारा पन्ना ग्राइंड होके आ गया है और ये काफी थिक भी है, तो मैंने इसे टेस्ट किया है तो इसमें मुझे थोड़ी सी खटास ज़्यादा लग रही है। तो बाकी की चीनी भी मैं इसमें मिला दूंगी और फिर से इसको ग्राइंड कर लूंगी अच्छी तरीके से। तो ये दोबारा से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी अभी बहुत थिक है। तो अगर आप इसे प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से बॉटल में रख के इसे फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन मुझे इसे अभी इस्तेमाल करना है तो मैं इसमें ये जो पानी बचा हुआ था हमारा कच्चे आम को बॉईल करने के लिए वो पानी में इसमें मिला दूंगी और इसकी कंसिस्टेंसी को चेंज कर लूंगी। तो इसे मुझे अभी सडनली सर्व करना है, तो मैं यहाँ पर कुछ आइस क्यूब्स डाल रही हूँ जार में और उसके बाद इसमें डाल दूंगी ये हमारा आम का पन्ना। तो अगर आपको इसे सडनली सर्व नहीं करना है तो आप इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए। मुझे इसे सडनली सर्व करना था तो मैंने इसमें कुछ आइस क्यूब्स मिला दिए हैं और इसे मैंने सर्व कर दिया है। बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है, बहुत हेल्दी होता है, गर्मियों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी ना जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।